खुदावंद यीशु मसीह के मुकद्दस और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं समझता हूँ कि आज का दिन पाकिस्तान की अकलियतों की तारीख का स्याह दिन लिखा जाएगा, क्योंकि आज जनाकारी के मशहूर ज़माना वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने जनाकारों की सहूलतकारी का किरदार अदा कर दिया है। मैं समझता हूँ कि ये बिल मुस्तरद नहीं हुआ बल्कि जनाकारों को सहूलतकारी दी गई है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि क्या मैं पाकिस्तान से पहले 1927 को जब मुसलमान खुद अकलियत में थे और खुद उन्हें इस मुश्किल का सामना था, जबरी तब्दीली मज़हब का सामना था, तो उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से ऐसी ही करारदाद मंजूर करवाई थी कि जबरी तब्दीली मज़हब का कानून होना चाहिए, 18 साल से कम उम्र के बच्चों को मज़हब तब्दील करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। आज वो अक्सरियत में हैं, हम अकलियत में हैं, तो हमें ये मुश्किल दरपेश है, तो उन्हें इस बात का क्यों एहसास नहीं कि जो तकलीफ उस वक्त उन्हें होती थी वो तकलीफ आज हमें हो रही है। अगर हम इस्लाम की बात करें तो इस्लाम कहता है कि जो तुम अपने लिए पसंद करते हो वो चीज़ अपने भाई के लिए पसंद करो। अगर तुम अपने लिए ये पसंद करते थे कि आपके साथ जबरी तब्दीली मज़हब के वाक़ियात ना हो, उसके लिए कानून साजी हो, तो आज आप हमारे लिए ऐसा क्यों नहीं सोच सकते। मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि इस मुल्क में जिसमें हम बस रहे हैं, जहाँ कोई भी मसला कभी भी तसल्ली इत्मीनान से आराम से हल नहीं हुआ, इसके लिए हमेशा सड़कों पर आना पड़ा है, कुर्बानियाँ देनी पड़ी हैं, हमें आने वाले वक्त में इनका रास्ता रोकने के लिए कुर्बानियों के लिए तैयार होना पड़ेगा।